हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर पबजी मोबाइल वीडियो। सो गाइस, वीडियो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग रहने वाली है और बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग रहने वाली है, क्योंकि हम बात करने वाले हैं कुछ 3.4 के अपडेट की लोडिंग स्क्रीन के बारे में, और साथ में आपको वुल्फ कंपेनियन रिटर्न में देखने मिले, उसके साथ न्यू आउटफिट भी आपको देखने मिलेंगे, वो क्या सीनैरियो रहने वाला है। उसके बाद वीनम कोलैबोरेशन जो होने वाला है उसमें क्या क्या रिवर्स हमें जो कन्फर्म देखने मिलेंगे वो क्या क्या होने वाले हैं, और साथ में भाई वॉक्सवैगन की जो कोलैबोरेशन है गाड़ियों वाली उसके भी ऊपर नजर डालेंगे कि बेसिकली उसमें कितनी व्हीकल्स हमें देखने मिल सकती हैं। सारा कुछ इसी वीडियो में ही कवर करने वाला हूं। और अगर हाँ फ्री में आपको रॉयल पास चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें, क्योंकि भाई मैं कर रहा हूं 1K सब्सक्राइबर पर 3 रॉयल पास का गिव वे, तो हो सकता है कि अगले विनर आप हो सकते हो। सो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर मस्ट कर दें। सो अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं 3.4 के अपडेट के बारे में। तो गाइज, सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर आपको दो पिक्चर्स इस वक्त नज़र आ रही हैं। इसमें एकदम भाई एक तरफ तो रेडनेस आपको ज़्यादा नज़र आ रही है, जबकि दूसरी तरफ जो है वो कम नज़र आ रही है बनिस्बत पहले वाली की। सो और आपको बहुत से वेम्पायर और ईगल्स वगैरह ये कुछ बहुत सी चीज़ें यहाँ पर आपको नज़र दे रही हैं। ये बेसिकली होने वाली हैं लोडिंग स्क्रीन जो कि 3.4 के अपडेट की रहने वाली हैं। लोडिंग स्क्रीन का आपको नहीं पता। सो गाइज, जब आप गेम को स्टार्ट करते और न्यू अपडेट जो होता है उसके रिलेटेड जो पिक्चर्स बनती हैं वो आपको नजर आती हैं, जितनी देर लोडिंग रहती है तो वो लोडिंग स्क्रीन कहलाती हैं। सो ये काफी खौफनाक सी, अजीबोगरीब सी और काफी कूल सी जो है वो लोडिंग स्क्रीन दो निकल के आती हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं तीसरी लोडिंग स्क्रीन के बारे में। तो तीसरी वाली ये बहुत ही खूबसूरत सी, गुड लुकिंग सी, क्या ही भाई महलनुमा एक पिक्चर जो कि लोडिंग स्क्रीन की निकल के आती है। उसके बाद ये होने वाली है थर्ड लोडिंग स्क्रीन जो कि 3.4 के अपडेट में आपको देखने मिल जाएगी। सो वेल, अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट कोलैबोरेशन के बारे में। सो गाइस, आपको पता है कि वीनम के साथ जो है पबजी कोलैबोरेट कर रहा है और बहुत से रिवर्ड्स आपको देखने मिलेंगे। इस पर मैंने भी वीडियोस अपने चैनल पर ऑलरेडी डाल रखी, नहीं देखी तो आप देख सकते हैं। तो भाई यहाँ पे चेकआउट करो, यहाँ पे आपको ये वाला जो वीनम की पिक्चर है वो आपको नज़र आ रही है। इसके साथ क्योंकि मूवी आई है तो इसके साथ आपको कोलैबोरेट देखने मिल रहा है पबजी का। सो इसमें रिवर्ड्स बेसिकली क्या क्या देखने मिल सकते हैं। सो वीनम में फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको जो है वो कोलैबोरेशन में अवतार फ्रेम देखने मिल जाएगा, जो कि बहुत बड़ी चीज़ है, जस्ट जॉकिंग। उसके बाद आपको वीनम के अंदर कोलैबोरेशन में आपको अवतार देखने मिल जाएगा, फिर पॉपुलैरिटी देखने मिल जाएगी, कुछ स्टिकर्स देखने मिल जाएंगे और पैराशूट की स्किन देखने मिल जाएगी। सो ये रहने वाला है वीनम के साथ कोलैबोरेशन। भाई इसमें कोई इतने ख़ास अभी तक के जो लीक्स कंफर्म हुए हैं उसके मुताबिक कोई मज़ेदार चीज़ या कोई अच्छी खासी चीज़ नहीं डाली, जस्ट एक पैराशूट, उसके बाद पॉपुलैरिटी है, स्टिकर्स हैं और फ्रेम अवतार आपको चिपका दिए जाएंगे वीनम के कोलैबोरेशन में। नेक्स्ट अगर इसके लीक्स में चेंजेस होते हैं या फिर न्यू लीक्स निकल के आते हैं तो आपका भाई वो भी आपके लिए लेके आ जाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए भाई वीनम का प्रोग्राम तो फौरी तौर पर जो है ना वो बढ़ चुका है। सो बात कर लेते हैं कुछ कंपेनियंस के बारे में। सो वुल्फ कंपेनियन ऑलरेडी भी गेम में आ चुका है आपको पता। सो आपको वो रिटर्न में देखने मिलेगा। सो वो अगर आपको रिटर्न में देखने मिलेगा, क्योंकि भाई आपको देखा है कि जो अपडेट है 3.4 का उसमें वुल्फ काफ़ी आपको नज़र आएंगे, आपका करेक्टर भी वुल्फ में चेंज होगा, ट्रांसफ़र होगा। सो आपको कंपेनियन जो रिटर्न में देखने मिलेगा, लेकिन इसके साथ दो आउटफिट भी हो सकते हैं। यहाँ पर आप इसको पहले नोट करें भाई, ये जो फायर वाली लुक है वो बहुत ही बढ़िया लग रही है। सो ये एक तो ये हो सकता है और दूसरी लुक इसकी रहने वाली है ये वाली। तो यहाँ पे आपको दो लुक यहाँ पे नजर आ रही हैं, एक में व्हाइट एंड ग्रे कलर का कुछ है कॉम्बिनेशन और एक में कुछ ब्लैक कलर ज्यादा दिखाया गया। अब बात कर देते हैं अगली कोलैबोरेशन की, भाई वॉक्सवैगन पे मैंने भी वीडियो डाली है ऑलरेडी और बहुत से यूट्यूबर्स ने भी डाली है। सो इसका बेसिकली सीन क्या रहने वाला है, अब तक के लीक्स के मुताबिक जो वॉक्सवैगन के साथ कोलैबोरेशन कर रहा है पबजी, उसमें जस्ट ये जो पिक्चर आपके सामने है, सो हो सकता है इस इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जस्ट एक ही व्हीकल जो आपके सामने इसकी स्किन हमें देखने मिल सकती है, उसके अलावा कोई भी और जो है व्हीकल्स की स्किन जो है वॉक्सवैगन की वो नहीं देखने मिलेंगी। सो ये भी बात करें ये किस पे अप्लाई होगी, तो ये दासिया पे अप्लाई कर सकेंगे आप। सो अभी तक यही कन्फर्म है कि भाई ये वाली जो 1930 या 38 की वॉक्सवैगन की व्हीकल थी उसकी स्किन आपको देखने मिल सकती है। और ये कोलैबोरेशन की अगर तारीख की बात करें कब आपको देखने मिलेगी गेम अंदर, सो ये भाई मंथ 9th में 20 तारीख को देखने मिल जाएगी पबजी ग्लोबल के अंदर। सो इसके भी अगर मजीद लीक्स निकल के आएंगे तो बता देंगे भाई इसमें व्हीकल्स और आ रही हैं, यानी फिलहाल की इंफॉर्मेशन के मुताबिक जस्ट एक ही व्हीकल्स देखने मिलेगी।
सो गाइस ये थी वीडियो, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी। बहुत से लीक्स का हमने पर्दाफाश किया और बहुत से कोलैबोरेशन का भांडा भी फोड़ा कि हमें इसमें बेसिकली देखने क्या मिलेगा, जिसका इतना वाव रोला मचा रखा था पूरी यूट्यूब के ऊपर यूट्यूबर्स ने। सो इसके अंदर क्या निकला वो भी आप लोगों ने देखा है। सो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब याद से कर लीजिएगा और अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। और मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़।